हाय एवरीवन। सो यार आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि आज हमको बहुत ही बड़ी हायरिंग देखने को मिल रही है जो कि एक मास हायरिंग है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये जो मास हायरिंग है ये है आपकी HCL टेक कंपनी से, ठीक है, जो मैं आपको आज शो करके दिखाने वाला हूँ। बट अगर आपने बिना सुने इसमें अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले आपको मेरी पूरी बात ध्यान से सुननी होगी कि कौन कौन से रोल्स हैं, क्या क्या पोजीशन है, कितना पे पैकेज ऑफर कर रही है, कैसे कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। उसके बिना आपको ये अप्लाई करना ही नहीं है, वरना ये आपके फ्यूचर के लिए चीज़ आपके लिए गड़बड़ कर सकती है। तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या अप्लाई करनी है। एंड दूसरी बात अच्छी है कि हायरिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो में सभी बैच को कवर करते हुए हायरिंग्स हैं, ठीक है, और काफी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हायरिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड लेट्स सी ऑल द डिटेल्स। मेन अपॉर्चुनिटी है ना HCL टेक की तरफ से, वो आप देखो आपके सामने है, जिसकी तरफ से मेल्स भेजा रहे हैं। आज ही का मेल है, बट इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस करना है मेरे को इसके बारे में। और पहले मैं और हायरिंग अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करना चाहूंगा, वरना आप उन सबको छोड़ दोगे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर MAQ सॉफ्टवेयर की। तो MAQ सॉफ्टवेयर की कल मैंने हायरिंग डाली थी और आज यहाँ पर मेल रिसीव हो चुके हैं। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग है, लगातार ये लोग टेस्ट मेल भेज रहे हैं, ऐसा मैंने कल ही बोला था आप लोगों को। और ये वाली वीडियो है, अगर आपने देखी होगी तो ये वाली वीडियो का कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। और आज यहां पर बच्चों को और फिर से मेल्स रिसीव हो गए हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा MAQ सॉफ्टवेयर नाम से। आप देख सकते हो लगातार टेस्ट मेल्स यहां पर भेजे जा रहे हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस टू अप्लाई। देन HCL के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं जेड स्केलर की, जो कि हायर कर रही है डेटा बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सो इसकी आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑटोमोबेट, ठीक है। तो ऑटोमोबेट यहां पर हायर कर रही है एंड वी आर हायरिंग BTech MTech freshers, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स DM नाउ। DM नहीं करना आपको अप्लाई करने के लिए, आपको बस यहां पर अपना CV मेल करना है। अब इसकी अगर जो रिक्वायरमेंट्स आप देखोगे तो क्लियरली मेंशन है कि 80% एंड अबव की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। फिक्स CTC आपको ऑफर किया जाएगा 3.5 LPA एंड देन आपका 2026 तक 7.5 LPA आपका जो आपका सैलरी है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रेजल आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है, सो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑटोबीट कंपनी की तरफ से। और ये बड़ी हायरिंग है, मैं पहले ही बताना चाहूंगा ये बड़ी हायरिंग है, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, ठीक है। तो देन कोडिंग निंजास का यहाँ पर वीकली कॉन्टेस्ट है जिसमें अपन की va2pt.com हायर कर रही है। तीन तीन पोजीशंस ओपन है, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, थर्सडे को आपका टेस्ट होने वाला है। डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार कोडिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसकी तरफ से रिवर्ट्स भी आ रहे हैं और हमारे एक कैंडिडेट का अभी एक और रिसेंटली सिलेक्शन हो गया है कॉन्टेस्ट नंबर 115 में। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, टाइम लगता है इसमें इन चीजों में। जैसे आप अगर ये कॉन्टेस्ट अभी दोगे आपको 15 से 20 दिन आराम से लग जाएंगे अगर आपके इंटरव्यू सेटलमेंट होते हैं तो, ठीक है, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ओरेकल। ओरेकल इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 जॉब रोल, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। ओरेकल की तरफ से ये हमें हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्विगी। सो स्विगी इज हायरिंग फॉर समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत बड़ी हायरिंग है, सो इसमें भी आपको अप्लाई करना है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, आपको कैसे क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। The internships are open for pre-final and final year undergraduate students. That means 2024-2025 batches में eligible है apply करने के लिए। Now इसमें बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्लियरली मेंशन किया है अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको सीधे टेस्ट भेज दिया जाएगा। और स्विगी की तरफ से पहले भी बहुत सारे लोगों को टेस्ट यहाँ पर गए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर हैकर रैंक के टेस्ट गए हैं स्विगी की तरफ से। सो इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, हाईएस्ट डिग्री आप यहाँ पे चूज करोगे, ईयर ऑफ स्टडी, फाइनल प्री फाइनल ईयर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, डिपार्टमेंट मेजर, 3 मंथ्स और 6 मंथ इंटर्नशिप आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। इंस्टीट्यूट डालना है, CGPA डालना है, गिटहब की लिंक डालनी है एंड लिंक अगर आपके कोई भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आप उसकी डाल सकते हो, ये सब आपका शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगा। बाकी रेज्यूम प्लीज प्रोवाइड लिंक टू फाइल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेरे बोलने के बावजूद भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर प्राइवेट लिंक डालेंगे, ठीक है, प्राइवेट लिंक डालेंगे। तो प्राइवेट लिंक नहीं डालनी है, रेज्यूम आप जो ड्राइव पे अपलोड करोगे ना तो उस ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक को पब्लिक बनाना है और उसके बाद आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस करना है, आपको अपने रेज्यूम को प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटर्नशिप यू कैन सिलेक्ट
वन और मोर एरियाज, तो रिकमेंडेशन सिस्टम, डिलीवरी साइड ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट और बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, सो डो नॉट मिस टू अप्लाई। देन बात करते हैं अपनी मेन हायरिंग अपॉर्चुनिटी की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब यहाँ से बातें बिल्कुल ध्यान से, जो एक एक बात बोल रहा हूँ वो आपको सुननी है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मेल रिसीव हुआ है ग्रेजुएट ट्रेनी जॉब रोल के लिए, सीटीसी लिखा है 3.25 LPA, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब मेल में मेंशन है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो सो बाय फिलिंग आउट द बिलो शेयर्ड फॉर्म बाय 20th मार्च आपको ये सबमिट करना है। ठीक, ये मेल रिसीव हुआ है, आज 20th ही है और ये बच्चे का रिसीव हुआ है। अब देखो इसमें क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये वाला मेल आया कैसे। ठीक है, तो उसने बताया, देखो आज दो अपॉर्चुनिटी है HCL की, इसलिए ध्यान से सुनते जाना पूरी बात मेरी। ठीक है, तो उसने बताया कि उसने ये वाला फॉर्म भरा था HCL टेक UG BCA BSc BE BTech जॉब अपॉर्चुनिटी वाला। अब ये फॉर्म कहाँ से कैसे आया मुझे नहीं पता, उसी ने शेयर किया है और इस फॉर्म को फिल किया था, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पर ऐसा रिस्पॉन्स आया कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप भर सकते हो सबसे पहले तो। ठीक है, एंड इसको भरने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा मेल रिसीव हुआ है, ऐसा उसने बताया। ठीक, अब ये तो हो गई एक बात, अब दूसरी बात करते हैं। HCL Tech की तरफ से आज खुद जो लीड कर रही है रिक्रूटमेंट को, उनने ये पोस्ट डाली है, HCL Tech is one of the world's fastest growing large tech company and they are hiring for post graduate engineer trainee job role. That is PGET. Location is Noida, Bangalore, Chennai. Batch is 2021, 2022, 2023. Education qualification है ME M.Tech. ठीक है, क्योंकि ये post graduation engineer trainee का है, इसलिए इसमें ME M.Tech का आपको option देखने को मिलेगा। ठीक, अब मैं आपको आगे explain करता हूँ क्या क्या है, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, आपको ये लिंक ओपन करनी है। ठीक है, मैं आपके सामने आपको हर चीज दिखाता हूँ। सो जब आप लिंक ओपन करके इसमें अगर आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करोगे, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं है HCL में, तो आप इसको सबमिट कर पाओगे। ठीक है, सबमिट आप इसको कर पाओगे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, ये डैशबोर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वेरीफाई करोगे ईमेल को, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, देन सबमिट एप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू का बटन आएगा जिससे आपको आई एक्सेप्ट करके सेव मतलब नेक्स्ट करके आपको ये पूरा फॉर्म भरना है, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करोगे। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है कि यहां पर पोजीशन अभी कौन कौन सी ओपन चल रही है। देखो अभी बी बीटेक वालों के लिए ग्रेजुएट ट्रेनी, जो मैंने आपको इसमें दिखाया ग्रेजुएट ट्रेनी वाला जॉब रोल अभी ओपन है। इसके लिए क्या आप ये वाला फॉर्म और ये दोनों आप सबमिट कर सकते हो? देखो अगर आपका ये फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है। अगर ये वाला फॉर्म आपका ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप ये वाले फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तब भी आप इस वाले फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है, मतलब आपको अप्लाई दोनों जगह से करना है, इससे भी अप्लाई करना है और इससे भी अप्लाई करना है, दोनों से अप्लाई करना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब मेरी बात ध्यान में सुनना, जब आप टेक्निकल रोल्स में जाओगे, जो आप लोगों के लिए है, यहाँ पे लिखा है आईटी ग्रेजुएट विद डिग्री इन बी बीटेक एमई एमटेक सीएससी आईटीईसी, ये सब 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 इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तीन पोजीशन है, जीटी पीजीईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डीबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईआरएस, वी गो ऑन जीटी जीटी पीजीईटी। ठीक है, जब आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे, यू विल सी ऑल द डिटेल्स, इट्स अ पैन इंडिया हायरिंग HCL इंफ्रा में। ठीक है, बाकी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे सारी क्लियरली मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। अब ये वर्क कैसे करेगा वो मेरा समझाने का काम है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो HCL की तरफ से जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला मेल रिसीव हुआ, उसका रीजन क्या है, पीजीईटी और जीईटी और जीटी, इन तीनों की हायरिंग्स HCL ने ओपन कर दी है। ठीक है, ओपन कर दी है, रिक्रूटिंग ओपन कर दी है। अगर आपकी एप्लीकेशन इसमें सबमिट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रेज्यूम, वो अपने आप अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट करेंगे, अगर आपका रेज्यूम अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट होता है तो जीटी या जीटी, इन दोनों जॉब में से किसी भी रोल के लिए आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेल आपको मैंने ये सामने दिखाया है ना, आपको सेम यही मेल आएगा। ठीक है, तो ये बात अपन को क्लियर होगी कि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर आप एज अ न्यू यूजर हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरी बात, ये वाली जो आप हायरिंग देख रहे हो HCL Tech UG और ये सब जो लिखा है, ये है ग्रेजुएट ट्रेनी जॉब रोल के लिए। अब आप ये कहोगे कि भाई इसका फिर ये फॉर्म क्यों है, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब ये जो हायरिंग्स ओपन है, अब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स HCL के देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों होते हैं, देखो ये है एक प्रॉपर बड़ी हायरिंग, इसके हिसाब से अगर कोई शॉर्टलिस्टिंग होगी तो आपको रिसीव हो जाएगा मेल। बट ये जो आप फॉर्म्स देख रहे हो ना, तो ये है आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। जैसे ये वाला फॉर्म है जो प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है, तो इसके लिए बीच बीच में फॉर्म ओपन करती रहती है HCL। अगर आप इस फॉर्म को भरते हो तो किसी भी प्रकार का कूलिंग पीरियड आप पे अप्लाई नहीं होगा। जो भी एप्लीकेशन आप फॉर्म्स के थ्रू सबमिट कर रहे हो, जो ये आपको गूगल फॉर्म्स या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में दिख रही है, इसका किसी भी प्रकार का कूलिंग पीरियड या कोई भी इफेक्ट इस वाली एप्लीकेशन पे नहीं पड़ेगा जो कि पोर्टल पे है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स वाली हायरिंग है ये अब आना स्टार्ट हो गई है और ये लगातार आएंगी। अब जीटी पोजीशन के लिए, जीटी पोजीशन के लिए मेल आपके सामने है, ऐसे मेल्स आपको रिसीव होंगे। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करी होगी, कब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, और आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।